बोली बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आज जो राजस्थान के अंदर कथा चल रही थी उसकी अंतिम दिन की बैठक गुरुदेव भगवान ने पावन पवित्र बागेश्वर धाम के जो गुरुदेव भगवान है श्री श्री 1008 स्वामी वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, उनके मुखारविंद से सुबह से ही महादिव्य दरबार का प्रारंभ हुआ। और महादिव्य दरबार के अंदर बहुत दूर दूर से जो लोग आए हुए थे, 3 दिवसीय महा आयोजन था हनुमान कथा का। तो एक दिन का शुरू वाले दिन महादिव्य दरबार था और बीच में एक दिन की कथा थी। आज एक दिन का दरबार और दोबारा लगाया गया। गुरुदेव भगवान सुबह से ही पावन पवित्र बागेश्वर धाम के गुरुजी हैं हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज, सुबह से ही दरबार चालू कर दिया था। इसके बाद साथ में दरबार चलता रहा और साथ में कथा का कार्यक्रम भी बहुत सुंदर रूप से चालू रहा और बहुत ही भव्य तरीके से कथा हुई और साथ में महादिव्य दरबार भी लगा। जगह जगह से जो लोग आए हुए थे उन्होंने, सभी लोगों ने अपनी जो जो समस्याएं थी भक्तों की गुरुदेव भगवान के सामने रखी और जिन जिन भक्तों का पर्चा बना, साथ में बहुत ही भक्तों का यहाँ गुरुदेव भगवान ने सामूहिक अर्जी भी लगाई। साथ में कथा का महा आयोजन हुआ और शाम के टाइम गुरुदेव भगवान की बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ से विदाई का कार्यक्रम हुआ। गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर आज रात्रि को पहुंच जाएंगे। सुबह पावन पवित्र बागेश्वर धाम में जो भक्त हैं उन भक्तों को दर्शन देने के लिए गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर रहेंगे। राजस्थान की कथा एक अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त कथा रही। इस कथा के अंदर पता नहीं लोगों के कितने क्वेश्चन रहे, कितने आंसर गुरुदेव भगवान ने दिए, पर्चे बनाए। बहुत ही दूर दूर से सज्जन लोग आए हुए थे, उनके भी पर्चे बने। खास बात इस कार्यक्रम में ये रही कि गुरुदेव भगवान ने बहुत ही सुंदर तरीके से 2 दिवसीय, 3 दिन की कथा होती है इसमें 2 दिवसीय महा आयोजन इस महादिव्य दरबार का लगा। तो महादिव्य दरबार का आनंद सभी भक्तों ने उठाया। जाते वक्त सभी भक्तों की आंखें तो निराश थी क्योंकि 5-6 दिन का कार्यक्रम रहता तो बहुत अच्छा था, लेकिन 5-6 दिन का कार्यक्रम नहीं कर सकते। गुरुदेव भगवान के 3 ही कार्यक्रम होते हैं, 3 दिन के ही। हनुमत कथा के जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं 3 दिन की कथा होती है, इसमें 1 दिवसीय महादिव्य दरबार लगता है। महादिव्य दरबार के अंदर भक्तों की जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के ऊपर ही वार्तालाप हो रही है, उनके पर्चे बनाए जाते हैं, उनका समाधान किया जाता है। अब गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम में आप सभी भक्तों को मिलेंगे। आइए चलते हैं पावन पवित्र बागेश्वर धाम में। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय।